अन और कहाँ है? अबे मैं पूछ रहा हूँ अनवर कहाँ है? पता नहीं तो तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ डालूंगा। बोल। पता नहीं मुर्गा। पता अनवर कहाँ है? पता बताता हूँ। रेती बंदर बंगला नंबर 5। चलो ये मुझे माफ कर देना। तू घबरा नहीं अनवर, सब ठीक हो जाएगा। फरीदा, फरीदा देख, मैं अनवर को ले आया। मार डालो इस छोटू उस्ताद को, मत छोड़ो इसे। तुम मेरे भाई को मारोगे? अरे वाह, क्या भाई का हमदर्द है। खाता हमारा ऐश हमारे पैसों से करता है और हमदर्दी भाई से जताता है। तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने ससुर के पैसों से ऐश करता हूँ। और तुम मेरे ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग करते हो। झूठ, अपने ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग तुम खुद करते हो। मैं? हाँ हाँ, सब कुछ तुम ही करते हो। सारा कारोबार तुम्हारे नाम से होता है। हर जगह सिर्फ तुम्हारा नाम है, मेरा नाम नहीं। ससुर से कहो या पुलिस से कहो, पुलिस सिर्फ तुम्हें ले जाएगी। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को बनाया है। ये कंपनी सारे हिंदुस्तान अपनी इज्जत और वकार के लिए मशहूर है, लेकिन आज उस इज्जत को तुमने दास्तार कर दिया। वर्मा सेठ का सिर सारी दुनिया के सामने झुका दिया। राजा, मैंने तुम्हें दामाद की तरह नहीं, औलाद की तरह चाहा, लेकिन मैं अकलमंद था, यह बात भूल गया था। जो आदमी अपने भाई को ठुकरा सकता है, उस भाई को जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, तुम उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को बेचकर मेरे घर जवाई बन गए। और एक दिन ज्यादा दौलत पाने के लिए तुम मुझे भी ठोकर मार सकते हो। मेरी बेटी को ठुकरा कर किसी और के हो सकते हो। निकल जा यहां से। जी, मैं गेट आउट। आई से गेट आउट। Yes? बंजी साहब, वर्मा सेठ को सब कुछ पता चल गया है। ओह माय गॉड, तुम फिर यहाँ चले आओ। अच्छा, ओके। राजा सेठ, इस शहर के रईस, दौलतमंद,
अमीर, यहां गरीबों की बस्ती में क्या लेने आए हैं? संभाल कर सेठ, संभाल कर। ये किसी नाचने वाली का हाथ नहीं है, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का पांव है। भैया माफ कर दो, भैया मुझे मुझे माफ कर दो, अपने इस गुनेगार भाई को माफी दे दो। माफी दे दो? अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं, और गरीबी से मरने वाले लोग किसी को माफी दिया नहीं करते, बल्कि आप जैसे अमीरों से माफी मांगा करते हैं। बस करो भैया, बस प्लीज बस करो। बस इतनी जल्दी? बस पहले तो मनमानी की, फिर पांव पकड़े, थोड़े से आंसू बहाए और कह दिया बस। किसी के घर में आग लगा दी, आंसुओं से छिड़काव किया और समझ लिया कि बुझ गई आग। क्यों? जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी वजह से मेरे पिता समान रहीम चाचा मर गए, मेरी बहन फरीदा यतीम हो गई, अनवर मर गया। तू खूनी है राजा, मेरी सच्चाई मेरी खुददारी का कातिल है तू। चला जा यहां से, निकल जा। गिर चुका है मेरी नजरों से तू, और मैं गिरी हुई चीजें उठा नहीं करता, समझा? मारो भैया मारो, मार मार कर मेरे टुकड़े कर दो। मैं एहसान फरामोश हूं भैया, बेईमान हूं मैं। ये लंगड़ा राजा जिसे आपने पैरों पर चलना सिखाया, उसे पैरों पर खड़ा किया, और पैर मिलते सबसे पहले उसने क्या किया? अपने भाई के प्यार को ठोकर मार दी। ये पैर काट दो भैया, काट दो इस पैर को। मैं क्यों काटूं? अरे पहले तो तू सिर्फ पैर का लंगड़ा था, अब तेरी आत्मा भी लंगड़ी हो चुकी है। इस पैर को काटने से कुछ नहीं होगा राजा, कुछ नहीं होगा। काटना ही है तो मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसके कदम काट, दिल की गहराइयों में जो लालच बस गई है उसके पैरों को काट कर निकाल कर बाहर फेंक दे। बोल, काट सकेगा? छोटू भैया, तुम्हारा फोन आया है। आओ छोटू, तारो फोन। हाँ हेलो छोटू। हाँ कौन बोल रहा है? मैं वर्मा बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई का ससुर। हाँ बोलो सेठ, क्या बात है? तुम अभी इसी वक्त मेरे बंगले पे आ सकते हो? क्यों? राजा के बारे में और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तुम जानो और राजा जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझसे कुछ मत पूछो। देखो छोटू, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मुझ पर बहुत एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज आ जाओ। अजीब बातें, आता हूं। सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया सेठ जी? किसने किया ये सब? बोलो सेठ जी, किसने? खून, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खून, खून। ऐश करो, जश्न मनाओ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा खतरा हट गया है। लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं, हमने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। Let us celebrate. Cheers, cheers, cheers. आप मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये फोन मैंने नहीं किया। मुझे तो सेठ जी का फोन आया था। चलिए, जैसे मैं यहाँ आया अंदर की सेठ जी की लाश, जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन तक कहिए। मानिए, ये फोन मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। भैया रुक जाइए, प्लीज, मैं कहता हूँ रुक जाइए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भैया, भैया, ये मेरे भाई को किसने मार डाला? मच्छू बेटे, ये सब क्या हो गया? उस कमीने के हाथ क्यों नहीं टूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया, भैया,
योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और शहर के सारे वकीलों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आज आपके जज बनने का, मेरा मतलब है आपके इस ओहदे का आज पहला दिन है। थैंक यू। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुजरिम का एक छोटा भाई है राजा, इसने इसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख लेने के बाद राजा ने मिस्टर वर्मा की लड़की मंजू से शादी कर ली और उनका घर जमाई हो गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक 20 जनवरी की रात को राजा और मिस्टर वर्मा में झड़प हुई और मिस्टर वर्मा ने राजा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुजरिम अपने भाई की तरफदारी करने के लिए मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा तो गुस्से में थे ही, मुजरिम भी गुस्से में भरा हुआ था। दोनों में जोरदार झड़प हुई और नतीजा यह हुआ कि मुजरिम ने मिस्टर वर्मा का खून कर दिया। वकील साहब, दिन में 10 मरतबा आप लोग गीता को हाथ लगाते हो, दुनिया को कसमें खिलवाते हो कि सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और खुद झूठ बोलते हो। और मुलजिम को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, उससे पहले बोलकर वो अदालत की कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करे। योर ऑनर, अब मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर रामनाथ। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रामनाथ, yes? आप सेठ वर्मा को कब से जानते थे? 20 साल से। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं मैनेजर हूं। क्या ये सच है कि कुछ दिनों से राजा और वर्मा साहब के दरमियान कुछ खिंचाव पैदा हो रहा था? यस, जी हाँ। राजा की लापरवाहियां, फिजूल खर्चियां वर्मा साहब के बिजनेस पर असरअंदाज हो रही थी। दिन ब दिन वर्मा साहब के कंपनी का नाम खराब हो रहा था। फिर 20 जनवरी के रात दोनों में काफी गर्मा गर्मी हुई और सेठ जी ने राजा को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। पॉइंट नोट किया जाए, घर जमाई को जब घर से निकाला जाता है तो घर तो छिनता ही है, साथ साथ दौलत भी छिन जाती है। फिर राजा घर से चला गया। मैं सेठ जी को बहुत समझाया, मैं चाहता था कि राजा सेठ जी से माफी मांग ले। उस शाम राजा को मैंने हर जगह तलाश किया, आखिर पता चला कि राजा बस्ती में अपने बड़े भाई के यहाँ चला गया है। बस्ती में एक राशन की दुकान है, वहां मैंने फोन करके राजा को बुलवाया, मगर राजा के बजाय उसका ये बड़ा भाई फोन पर आया। इसने मुझसे कहा कि मैं आता हूं, अब सारा मामला वर्मा साहब से मैं खुद निपट लूंगा। झूठ बोलता ये। मुलजिम को आखिरी वार्निंग दी जाती है, वो बीच में ना बोले। प्रोसीड। और फिर मुजरिम ने जैसा कहा था वैसा कर दिया। मिस्टर रामनाथ, यू कैन गो। थैंक यू सर। योर ऑनर, अब मैं इस कटहरे में मुजरिम के छोटे भाई मिस्टर राजा को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर राजा, 20 जनवरी की रात आप अपने भाई के यहां गए थे? जी हां। किस लिए? मैं पूछता हूं किस लिए गए थे आप? बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं। मिस्टर राजा, आप जरा जोर से बोलने की तकलीफ करेंगे? जी, बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं। मगर 20 जनवरी ही की रात को आपको अपने भाई से मिलने की जरूरत क्यों पेश आई? जी वो इसलिए कि वो इसलिए योर ऑनर कि इन्हें अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा। अपने गरीब भाई का घर छोड़ के ये उस अमीर आदमी के घर गए और उस अमीर आदमी ने इन्हें ठोकर मार दी। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इनकी दुनिया वीरान हो गई और इन्होंने इस भाई को मिस्टर वर्मा के खिलाफ भड़काया। इनका यह भाई जो बंबई के टैक्सी ड्राइवरों में मशहूर है कि बात कम करता है और हाथ ज्यादा चलाता है, मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा ने जुमलों से हमला किया और जवाब में इसने छुरे से हमला किया और मिस्टर वर्मा का खून कर दिया। नहीं ऑनर, ये झूठ है, गलत है। मेरे भाई के सर इल्जाम है, मेरा भाई खून नहीं कर सकता। योर ऑनर, गवाहों के बयान से साफ जाहिर है कि ये खूनी है।
इसने वर्मा पे कातिलाना हमला करके वर्मा का कत्ल किया है। झूठ है, झूठ है साहब, ये झूठ है। सजा मौत मिलनी चाहिए। वो तो ये झूठ बोल रहा है। क्या है सच क्या है अभी पता चल जाएगा। योर ऑनर, मैं मुजरिम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत। तुम्हारा नाम? छोटू उस्ताद। मैं तुमसे तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूं। अरे यही अपन का असली नाम है। झूठ बोलता है ये, सारी जिंदगी झूठ बोलता आया ये। सीआईडी ब्रांच ने इसकी पस्ती से, जिस कॉलेज में उसका भाई पढ़ता था उस कॉलेज से, जिस गांव से ये भाग कर आया था उस गांव से ये पता चलाया है कि इसका असली नाम छोटू उस्ताद नहीं, गोविंद है। गोविंद श्रीवास्तव है। योर ऑनर, इसके बाप का नाम रमेश श्रीवास्तव है और इसके भाई का नाम राजा नहीं, राजेश श्रीवास्तव है। अदालत बर्खास्त की जाती है। बीस साल में अपने बड़े भाई की याद कभी नहीं आई, कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। देखो उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं। मैं जिंदगी से थक गया हूं मेरे भाई, बस एक ही तमन्ना पे जिए जा रहा था कि मैं अपने भाइयों को, जिनकी याद में मैं 20 बरस से घुट रहा हूं, एक बार सीने से लगा लूं। उसके बदले में मुझे फिर मौत भी मिल जाए तो कोई परवाह नहीं। और आज तकदीर को रहम आया भी और मुलाकात करवाई भी तो कहां करवाई, छोटे के दामन पर कल के खून की छींटे लगाकर उसे मुजरिम के कठेरे में खड़ा कर दिया और बड़े को उसी की जिंदगी के परवाने पर मौत की मोहर लगाने के लिए इंसाफ की कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं बेटे, रो मत, रो मत, रो मत, रोमन। आज तो तेरे बड़े भाई का इम्तिहान है, सही इम्तिहान। मेरा भी है और उसका भी है। अगर वो सच्चा है, उसका कानून सच्चा है, उसका इंसाफ सच्चा है, तो तेरा ये भाई तुझे फांसी के तख्ते से बचा कर ले आएगा। चीज कहां से आ गया? योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए,
इसलिए अदालत से मैं ये दरखास्त करूंगा कि वो अपना फैसला सुना दे। इतनी जल्दी भी क्या है वकील साहब, अभी हमारी बारी तो बाकी है। देरी के लिए माफी चाहता हूं योर ऑनर, मैं छोटू उस्ताद यानी गोविंद की तरफ से वकालत कर रहा हूं, ये रहा मेरा वकालत नामा। यू कैन प्रोसीड मिस्टर श्रीवास्तव। योर ऑनर, मेरा सबसे पहला गवाह है मैनेजर रामनाथ। मिस्टर रामनाथन। यस सर। 20 जनवरी की रात जब वर्मा साहब ने राजा को घर से निकाल दिया था, हाँ, तो आपका बयान है कि आपने उसे बहुत सारी जगहों पर तलाश किया था। जी हाँ। कहाँ कहाँ तलाश किया था? होटलों में, बार्स में, क्लब्स, बहुत जगह। और इन सारी जगहों पर आपको राजा नहीं मिला? नहीं मिला। फिर आपको राजा मिला कहाँ? राजा के बड़े भाई के बस्ती में एक राशन की दुकान है, मैंने वहां फोन किया था। यानी फोन करने से पहले आपको पता चल चुका था कि राजा अपने भाई से मिलने बस्ती गया है? जी हाँ। आप उसी बस्ती में रहते हैं? जी जी नहीं, मैं तो नेपियन से रोड पर रहता हूँ। फिर उस दुकान का टेलीफोन नंबर आपके पास कहां से आया? जी जी, मुझे वर्मा साहब ने दिया था। खून के पहले या खून के बाद? वो फोन नंबर तो कहीं मैंने पहले दिया था वर्मा साहब ने मुझे। मैनेजर साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आप खुद उस बस्ती में गए थे, दुकान वाले से टेलीफोन नंबर लिया था और फिर किसी पब्लिक टेलीफोन से आपने गोविंद से बात की थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये झूठ है। वो बैठा है सामने जिससे आपने टेलीफोन नंबर लिया। वहां पहचाना? बुलाओ उसे यहां, बुलाओ। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने नंबर लिया था उनसे। याद आया? अभी याद आया। क्यों किया था आपने टेलीफोन? इसलिए कि राजा को मुझे वर्मा साहब से मिलाना था। हाँ, जब आप बस्ती में गए ही थे तो खुद राजा से क्यों नहीं मिले? टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? बोलिए। क्या? योर ऑनर, इसके पीछे गहरी चाल थी। मिस्टर रामनाथन के बस्ती में फोन करने से पहले ही वर्मा साहब का कत्ल हो चुका था। कातिल ने फोन करके राजा को वहां बुलाना चाहा और उस कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहा, मगर इत्तेफाक से राजा की जगह उसका भाई गोविंद वहां पहुंच गया और कत्ल के इल्जाम में फंस गया। मिस्टर रामनाथन, यू कैन गो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। अब ये बताइए, 20 जनवरी की रात को आपको कैसे पता चला कि आपके भाई साहब का खून हो चुका है? बड़ा अजीब मजाक कर रहे हैं वकील साहब, जब सारी दुनिया का पता चल गया तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? आखिर मेरा अपना भाई अपना खून था। मिस्टर बंसी, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद 4 घंटे तक पुलिस ने यह खबर किसी को नहीं की सिवाय मंजू के, और आप आधे ही घंटे में वहां पहुंच गए। ये खबर आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? मुझे फोन आया था। किसका? घर के नौकर का। मिस्टर बंसी, टेलीफोन एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद वर्मा साहब के घर उन 4 घंटों के दौरान ना किसी का फोन आया, ना वहां से फोन किया गया। फिर आप वहां कैसे गए और क्यों गए? जैसा कि मैं पहले भी आपसे, इसका जवाब मेरे पास है। ये वो तस्वीरें हैं जो उस रात वर्मा साहब की लाश की ली गई थी। लिस्ट का तमाम सामान मौजूद है, सिर्फ एक चीज गायब है, वो चमकती हुई चीज। इस घड़ी की तस्वीर का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है यार आना, बहुत गहरा ताल्लुक है। उस तस्वीर में जो घड़ी है वो घड़ी ये। यार आना,
घड़ी वाली तस्वीर में महीना, दिन और वक्त साफ नजर आते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून 20 जनवरी की रात 11:30 बजे हुआ था और उस घड़ी में भी ठीक 11:30 ही बजे। योर ऑनर, गौर किया जाए, कत्ल ठीक 11:30 बजे हुआ था और घड़ी में भी ठीक 11:30 बजे थे। क्या मेरे फाजिल दोस्त अदालत को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस कत्ल के वक्त वहां मौजूद थी और बजाय कातिलों को पकड़ने के तस्वीरें खींच रही थी? ऑर्डर ऑर्डर। मैं कुछ और कहना चाहता हूं योर ऑनर। पुलिस वहां ठीक 12:10 को पहुंची थी, यानी ये तस्वीरें करीबन 12:15 बजे ली गई होंगी, लेकिन उस घड़ी में उस वक्त भी 11:30 ही बजे थे। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि वो घड़ी जमीन पर गिरते ही रुक गई होगी। योर ऑनर, वकील साहब की बदकिस्मती से मेरी घड़ी तो चल रही है। अब चल रही है, लेकिन 21 जनवरी की 11:00 तक नहीं चल रही थी, जब आपने फाउंटेन के ईस्टर्न वॉच कंपनी में जाकर इसको ठीक करवाया था। ये रही उसकी रिपेयरिंग की रसीद, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो आपके पास होगी। योर ऑनर, मिस्टर बंसी ने पूरा प्लान करके अपने बड़े भाई का खून किया, गोविंद को उस खून में फंसाया और इत्मीनान से अपने घर चले गए, लेकिन कानून के पहले सफे पे लिखा है मुजरिम कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। जब ये घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि छीना झपटी में इनकी घड़ी गुम हो गई है। ये घड़ी लेने के लिए फिर वर्मा साहब के वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस को वहां देखा तो भैया ये मेरे भाई को किसने मार डाला? मंजू बेटे, ये सब क्या हो गया? उस कबीले के हाथ क्यों नहीं छूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया भैया, अब हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? भैया भैया, एक दम वो कबीला मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तब तक सबूत तस्वीर की शक्ल में पुलिस के रिकॉर्ड पे आ चुका था। योर ऑनर, मैनेजर रामनाथन की झूठी गवाही, राशन की दुकान पे फोन करके राजा को वर्मा साहब के घर पे बुलाने की कोशिश, खबर न मिलने पर भी सिर्फ आधे ही घंटे में मौकाए वारदात पर इनका पहुंच जाना, कत्ल के वक्त इनकी घड़ी का वहां होना और उसी घड़ी का वहां से गायब हो जाना, इन सारी बातों से जाहिर होता है योर ऑनर कि मिस्टर वर्मा का खून मिस्टर बंसी ने ही किया है। हाँ हाँ, मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही वर्मा साहब का खून किया था और आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरी, खबरदार खबरदार, कोई आगे बढ़े तो हट जाओ हट जाओ। गोली किस तरह चल रही है? इसमें किसी की जान नहीं। Yeah.
तेरी जात का स्मगलर मारो, मेरे भाई पर गोली चलाया, मेरे राजा की जिंदगी बर्बाद करने वाले। मर जा सर, ले चलो इनको पुलिस स्टेशन, चलो। अपन का काम हो गया इंस्पेक्टर। चल बेटा घर चल, तू चला गया, घर से सारी खुशियां चली गई, मुझे माफ। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भैया राजा भैया चलो भाई।